बाद में बात करते हैं। ओके ओ भाई, ये गधे की तरह मुंह लटका के क्यों खड़ा है? क्या हुआ? अंकल ने फिर कुछ बोला क्या? नहीं यार, पापा की इतनी हिम्मत कहाँ की वो कुछ बोले। वो तो सीधा चप्पल से बात करते हैं। अरे तो हुआ क्या, बताएगा मेरे बाप? भाई मेरा ना ब्रेकअप हो गया उस साकिना का वाली से। सच्चा वाला प्यार करता था उससे। ओ भाई तू ना रहने दे, पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे हर बार, हर दिन, हर हफ्ते हर लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है, यही तेरी प्रॉब्लम है। पता नहीं कब दूर होगा बैंदा। भाई तू जानता है ना मेरे अंदर कितना प्यार भरा हुआ है, ये गले तक भरा हुआ है। अबे ओ रोड साइड रोमियो, अपने अंदर इतना प्यार मत भर वरना किसी दिन चू जाएगा। भाई इसीलिए तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स बनाता हूँ ताकि प्यार वेस्ट ना हो। और तुमने तो वो गाना सुना ही होगा, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, बस वही कर रहा हूँ। बेटे तेरी ने किस्मत बहुत अच्छी है जो तू मुंबई में पैदा हुआ है और यहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं है, वरना तू जैसे कांड करता है ना, तेरे गांड पे इतने डंडे पड़ते ना कि सूज के सुजुकी हो जाता। भाई अगर मुंबई में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अरे ऑटो के बैक सीट पे जो रोमांस होता है वो बंद हो जाएगा, बैंड स्टैंड में पत्थरों के पीछे जो फैमिली प्लानिंग होती है वो बंद हो जाएगी, रेस्टोरेंट में ताले लग जाएंगे, जिंदगी झंड हो जाएगी, लड़कों के केयर पीरी लग जाएंगे। ओ भाई तू क्यों इतना भड़क रहा है? तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? क्या बात कर रहा है, कौन है बताना बताना। यार आज तो पार्टी होगी। अभी उसी का फोन था, बोल रही थी कल ही ब्रेकअप हुआ है साकिना का। मैं तेरी वाली भागता कहीं साले, तेरे प्यार का साकिना का साले मेरी गर्लफ्रेंड ही मिली थी तुझे कुत्ते।